ट्रक में से आलू आ रहा है, ये सारा जो कचरा है ये कचरा सारा वहाँ निकल जाता है आगे। ये क्विक स्टोर का आलू है। अच्छा, अभी ये लास्ट महीना है। अच्छा, दिसंबर में नया आलू आ जाएगा। ओके, ये ग्रेडिंग होके कचरा निकल रहा है और ऊपर जा रहा है। ऊपर से ऊपर का मेरा घुमाइए, साइलो में से अभी आलू यूज हो रहा है। हाँ, पिस्टन का 16 साइलो। यहाँ पे बिल्कुल ही ज्यादा सफाई का ध्यान रखा जाता है। आलू का जो भी कचरा है वो एक नहीं दो बार साफ किया जाता है। एक पीलर में जाता है ये आलू सारा, उसके बाद जितना भी कचरा है वो बिल्कुल ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से साफ किया जाता है। दोस्तों, ये जो आप बड़ी सी मशीन देख रहे हैं ना, ये 3 से 4 बार आलू का इंस्पेक्शन करती है। जो खराब आलू होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जो सही आलू होते हैं उनको आगे मशीन में धुलने के लिए भेज दिया जाता है। धुलने का जो प्रोसेस है वो 3 से 4 बार रिपीट होता है। उसके बाद आलू की ऊपर की परत निकाली जाती है सो दैट इसको कटिंग के लिए आगे भेज दिया जाए। उसके बाद आगे की मशीन में इनको भेजा जाता है चिप्स की शेपिंग के लिए। जो भी चिप्स की शेपिंग प्रॉपर नहीं होती है वो मशीन के द्वारा ही अलग कर दी जाती है। आप देख सकते हैं आलू की कटिंग के बाद, शेपिंग के बाद इनको आगे मशीन में भेज दिया जाता है फ्राई होने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली चिप्स की तरह क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद इस बड़ी सी मशीन में इनको दी जाती है तरह तरह की फ्लेवरिंग। अलग अलग फ्लेवर के चिप्स अलग अलग कंटेनर्स में जाते हैं, उनका वेट होता है, पैक होते हैं और वो आगे भेज दिए जाते हैं। दोस्तों, ये जो हमने आपको अभी प्लांट दिखाया ना, ये था बालाजी मेड इन इंडिया का। इतने ज़्यादा हाइजीन तरीके से चिप्स की कटिंग होती है, चिप्स की धुलाई होती है, उसके बाद उनको तला जाता है, फ्लेवरिंग दी जाती है। ये प्रोडक्शन आपको इंडिया में मिलना एक तरीके से नामुमकिन है। इतने ही बढ़िया तरीके से इसकी पैकिंग की जाती है और आप तक डिलीवर किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल चावला चंदू भाई के साथ, जो राजकोट के बड़े फेमस, क्या पूरे गुजरात पूरे इंडिया के चिप्स किंग के नाम से फेमस है। ये बालाजी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है एंड ये इन्होंने शुरू करा था बालाजी चिप्स फ्रॉम अ सिनेमा एंड आज इनका इतना बड़ा एम्पायर है ऑफ चिप्स। मैंने एक छोटे लेवल से शुरू किया था, मैं रोज का 1,000 रुपये 2,000 रुपये का चिप्स बनाता था जी। पिछले साल 3,000 करोड़ से ऊपर हमारा टर्नओवर हुआ। वाओ, 3,000 करोड़ का टर्नओवर था इनका। एंड सर, आपने कैसे शुरुआत करी है चिप्स के बिजनेस की? हमने एक गांव, हम एक धुंधुरा जी विलेज से है जी। 1974 में उसी टाइम अकाल पड़ रहा था, तो चिंता करके नहीं चिंतन करके यहाँ आए गए, यहाँ कुछ प्लेटफॉर्म मिलेगा राजकोट में। तो हमने एस्टोन सिनेमा के अंदर नौकरी की, वहाँ ये सारे चिप्स नमकीन बेच रहे थे। 8 साल बेचते फिर घर में बनाना शुरू किया। नौकरी करते फिर हमने अच्छा काम किया तो कॉन्ट्रैक्ट पे कैंटीन दे दी, तो वहाँ बेचते हमने बाइक लेके बाजार में बेचा, थोड़ा सेल बढ़ा, रिक्शा लेके बेचा थोड़ा सेल बढ़ा, टेम्पो लेके बाहर बेचा, 20,000 से रिक्शा की लोन ली, 1,80,000 से लोन टेम्पो की ली, 3,60,000 की लोन, फिर एक इंडस्ट्रीज एरिया में प्लॉट लिया। आगे बढ़ते गए और लोग जुड़ते गए। नंबर वन हमारे घर से जब शुरू किया तो 7-8 लोग काम कर रहे थे, आज 6,000 लोग हमारे साथ के अंदर एम्प्लॉय है, 5-7 सप्लायर थे, आज 2,000 से ज़्यादा हमारे सप्लायर है। और ये जो सारा रॉ मटेरियल सप्लायर करता है, आज हम 12-15 राज्यों में और इंडिया से बाहर 20-20 देशों में हम डिलीवरी कर रहे हैं। पर्टिकुलर इंडिया में डिलीवरी करने के लिए 12 सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, 500 ट्रकों द्वारा वो 1100 डीलर को डिलीवरी करता है, और 1100 जो डीलर है वो छोटा डीलर है उसके 5 रिक्शा होती है, बड़ा डीलर है उसके 100 रिक्शा होती है। ये 1100 डीलर जो डिलीवरी करता है वो लगभग 10-12 लाख दुकानदार है वहाँ वो डिलीवरी करता है, और वहाँ से करोड़ों कंज्यूमर परचेस करता है। एक गाँव का एक सिंपल व्यक्ति, आगे कई मुसीबत आती है लेकिन हमारा जीवन मुसीबत से बना हुआ है गांव में, तो हमको छोटी मोटी मुसीबत
हम पास कर देते हैं, मुसीबत हमारे लिए गुरु ज्ञान है, उसमें से सीख मिलती है। अगर जो दिमाग पे हम गलतियां नहीं चढ़ाएंगे तो उसमें से हमको गुरु ज्ञान मिलता है। तो वहाँ जहाँ जहाँ हमारी गलती हुई वहाँ हमने गलती सुधारते गए, आगे बढ़ते गए, और आज जो सेव और जो गांठी मतलब सेव और स्पिनट भुजिया वो फॉरेन की मशीनरी में अनटच, कोई किसी का हाथ अड़ता नहीं है, और पीएलसी कंट्रोल से सारी चीज बनती है, वो हमने आपको रूबरू दिखाया। एक चीज बताऊं, मैं आपके साथ शूट कर, हमने आप में 66 में जो एनर्जी है, मतलब ऐसी एनर्जी कैसे, मतलब क्या सीक्रेट है? क्योंकि हम जीवन में कभी दुखी नहीं हुए। ये बिजनेस में 25 साल तक सफलता नहीं मिली, हमने कहीं पागल की तरह घूमते नहीं रहे, वहीं डटे रहे, जो भी मिला है हम सेटिस्फाई थे। आदमी सफल होता है तो कितनी भी मेहनत करे तो वो निराश नहीं होगा, तो उसके साथ एक एनर्जी आती है, वाइब्रेशन आता है, पूरी जीवन मानसिक ताकत के आधार पे शक्ति बनती है। हमारे पास शक्ति होती है लेकिन सुशक्त हो जाती है, उसको बाहर निकालना चाहिए। बाहर निकालो, भगवान ने हमको इंसान बनाया, निराश कभी नहीं होना है, तभी हमको थकान नहीं लगती। आई थिंक यंग जनरेशन जो ये वीडियो देख रही है वो काफ़ी कुछ सीखेगी। और मैंने सुना आपने कुछ नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करा है सर? ये 45 mm से बड़ा आलू हम चिप्स में यूज करते हैं जी। वो किसान बोलते हैं छोटा आलू आप लेते नहीं हो, छोटा आलू लेते नहीं हो जी, तो किसान का दर्द होने के लिए छोटा आलू का हमने पोटेटो मैश बनाया, पोटेटो फ्लैक्स बनाया। वो फ्लैक्स में से हमने ये प्रिंगल जैसी एक स्टेकअप चिप्स बनाई, किसान का छोटा आलू का मैश हो गया, और एक किसी ने नहीं बनाई वो हमने एक स्टेकअप बनाई, आप खाके देखिए, टेस्ट कीजिए। मैं देख रहा हूँ कंपेयर टू द अदर ब्रांड आपका काफी रीजनेबल है। देखो इसमें पूरा कोई टूटा फूटा भी नहीं है, तो ये हम क्या करते हैं 35 rupees का, 35 rupees ओनली, आधा रेट में, आधा रेट में जो मिलता है मार्केट में। हाँ, एंड स्वाद बिल्कुल वैसा, बहुत बढ़िया। हमें अपने इंडियन ब्रांड जो है ना, वी शुड प्राउडली कंज्यूम देम, एंड हमें वही थॉट होना चाहिए, लेट्स गो वोकल फॉर लोकल। क्या लोकल फॉर वोकल?